गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले टाउनशिप। गाइस इस वीडियो में मैं आपको कलरफुल पजल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। ओके सो गाइस, पहली टिप है, आपने सिर्फ वही लेवल चुनना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर अप्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि जब आप देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर अप्स बन रहे होते हैं, आप उस पर डन करते हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले यही चेक करें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको लेवल कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी। और फिर थर्ड चीज़, उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा पावर अप्स बनाने हैं, आपने उसको भी मद्देनजर रखना है जो आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा पावर अप्स बनानी है। ना करें, नीचे से पावर हाउस बनाएं, नीचे से ही मैच करें, क्योंकि नीचे से आप पावर हाउस बनाते हैं तो ऊपर से वो खुद ब खुद चीज़ें आती हैं, और मोस्टली ऐसा होता है वो मैच हो जाती है और खुद ही आपका मुंह बच जाता है इससे। और इसमें सबसे बेस्ट पावर हाउस का कॉम्बो रेनबो बार प्लस हेलीकॉप्टर, ये बहुत हेल्प करता है आपको जब आपका लेवल कम्प्लीट होने वाला होता है और आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप ये बूस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, रेनबो बार प्लस डायनामाइट, और आखिर में रेनबो बॉल प्लस रॉकेट। रेनबो बॉल प्लस रॉकेट को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इससे मेरा लेवल जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। डायनामाइट से भी मेरा लेवल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और हेलीकॉप्टर को भी यूज़ करने से भी मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है जल्दी, लेवल पास हो जाता है। और आखिर में आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप एक ही लेवल में स्टक हो चुके हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। गेम को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद दोबारा ऑन करें और फिर से आप लेवल करें। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो दोबारा यही प्रोसेस करें, गेम को बंद करके दोबारा चलाएं कुछ देर के बाद, क्योंकि इस तरह से होता है कभी कभी वो टाइम नहीं हो रहा होता है उसमें, आपके पास वो टाइम नहीं आ रहा होता है टाइम मैनेज में भी। इसमें इन्होंने गेम में कुछ स्ट्रेटजीज रखी हुई है टाइम मैनेजमेंट की भी, कि किस टाइम आपका लेवल जल्दी पास हो जाएगा, किस टाइम आपका लेवल आप कोशिश करते हैं लेकिन आपका लेवल पास नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लेवल होते हैं जिसमें हम स्टक हुए हुए होते हैं और कभी वो लेवल इस तरह से पास हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे मूव्स भी बच गए हैं इतने सारे और हमारा लेवल भी पास हो गया है। तो इस तरह से कोशिश करें कि उसको बंद कर दें। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये होता है कि मॉर्निंग और नाइट में मेरा, जब मैं गेम खेलती हूँ, एक्सप्लोसिव पजल हो चाहे कलरफुल पजल हो, दोनों में मैं जब बहुत जल्दी आउट नहीं होती हूँ, मैं आराम से खेलती रहती हूँ, मेरे पास कोई पावर ऑफ भी ना हो, क्लाउड नाइन भी ना हो, तब भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पास कर जाती हूँ। मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि मुझे ये सिखाएं, हमें ये बताएं किस तरह से करना है, तो और मैंने काफ़ी दिनों पहले भी सोचा हुआ था कि मैं ये आपको बताऊंगी कि इसकी छोटी छोटी टिप्स है कि आपको किस तरह से, आप ये बिल्कुल छोटी छोटी ऐसे टिप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग माई वीडियो, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें।